कैसी लगी फिल्म? सर शानदार फिल्म है, मज़ा आ गया। मतलब विजुअली ट्रीट थी ये फिल्म, मज़ा आ गया। मतलब देखिए, आपको बिलीव नहीं होगा कि 3 से 4 करोड़ रुपए में ऐसी फिल्म बनाई है नेपाली फिल्म इंडस्ट्री ने। मज़ा आ गया, शानदार फिल्म। फिल्म में सबसे अच्छा काम किसका लगा आपको? हाँ देखिए, वो लीड एक्टर जो है प्रदीप खड़का, मतलब क्या जबरदस्त काम किया है बंदे ने। और मुझे लगता है कि बॉलीवुड में भी अब उन्हें जल्दी काम मिलेगा, जिस तरीके की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, जबरदस्त काम है उनका। उनके देखिए डायलॉग डिलीवरी आप देख लीजिए, एक्सप्रेशन देख लीजिए, सारी चीज़ें उन्होंने कितनी परफेक्टली प्ले की है। साथ ही वो देखिए जो गीत का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, उनका क्रिस्टीना नाम है शायद उनका, उन्होंने भी क्या ब्यूटीफुल लगी हैं वो, क्या जबरदस्त खूबसूरत लग रही हैं। साथ ही उनका भी काम काफ़ी अच्छा, साथ में वो दोनों भी प्रेम और गीत, मतलब क्या लगे हैं दोनों साथ में, बिल्कुल जबरदस्त। मज़ा आ गया फिल्म की लव स्टोरी देख के। साथ ही वो देखिए एक्शन भी कितना जबरदस्त है फिल्म का। ऊपर से वो देखिए उनके राज के बारे में बताया जा रहा है कि मतलब राज्य चुनो या प्यार चुनो, वो सब चीज़ें भी चल रही हैं। ऊपर से वो आपस में घर में ही जो चीज़ें चल रही हैं, उनकी जो राजनीति वगैरह चल रही है राज्य को लेकर, वो सब चीज़ें भी, तो मतलब कहीं ना कहीं बाहुबली 2 की भी याद आएगी आपको। फिल्म को 5 में से कितना स्टार देना चाहिए? 5 में से फिल्म को 4 स्टार्स दूंगा सर, और सभी को रिकमेंड करूंगा कि इस फिल्म को देखें, क्योंकि फिल्म में सभी कुछ खास है। फिल्म के आप शायद सीन्स देख लीजिए, सॉन्ग्स देख लीजिए, डायलॉग्स देख, सभी कुछ परफेक्ट है, आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। फिल्म बोर तो नहीं करती कहीं? बिल्कुल बोर नहीं करती सर, स्टार्टिंग से एंड तक आपको बांध कर रखती है, फुल इंगेजिंग फिल्म है। 1 सेकंड के लिए भी आप बोर नहीं होगी, बल्कि फिल्म खत्म हो जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि यार जल्दी खत्म हो गई फिल्म की। हालांकि लेंथ काफ़ी अच्छी है, मेरे ख्याल पूरी 2.5 घंटे की फिल्म है, उसके बाद भी आपको टाइम का पता नहीं चलेगा, इतना फिल्म की कहानी में खो जाएंगे। जबरदस्त फिल्म में मजा आ जाता है।